अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अदनान और मेरा भी मोहम्मद कामरान और मोहम्मद शुएब। इंशाल्लाह ये जो ग्रुप आज निकल रही है इसके साथ 13 तारीख यानी कि कल एक हमारी जो ग्रुप है ऑफर पैकेज की ग्रुप है कल जा रही है, उसके साथ साथ और एक ग्रुप इंशाल्लाह हफ्ते की मिडनाइट यानी कि 14 तारीख की शाम को जो है इंशाल्लाह और एक ग्रुप हमारा भी मोहम्मद शुएब जो है बेंगलोर से सारे हाजियों को यानी कि कम एक 20 हाजी है उस ग्रुप में इंशाल्लाह, वो हाजियों के साथ इंशाल्लाह मेरा भी मोहम्मद शुएब लेकर निकल रहे हैं। अच्छा, जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस का पिकअप पॉइंट जो है नीचे आप बस खड़ी हुई है देख सकते हैं, इंशाल्लाह मैसूर टू मैसूर इंशाल्लाह हमारा पिकअप रहेगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये हमारे ऑफिस ओपन होकर इंशाल्लाह 3 महीने हो चुके हैं। ऑफिस ओपनिंग ऑफर में जो है एक उमरे का पैकेट 70,000 रुपीज़ को हम लेकर थे यानी कि 70,000 रुपये को एक हाजी का पैकेज हम लेकर थे। तो इसके बीच में बहुत सारे लोग बोले कि मुमकिन नहीं है 70,000 रुपये नहीं हो सकता बोलकर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब होकर हैं 70,000 के ग्रुप में। इंशाल्लाह आज मैसूर से हमारे सारे हाजी मैसूर के आसपास जितने भी शहर हैं बन्नूर हासन चामराजनगर बहुत सारे हाजी अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इधर ऑफिस से निकल रहे हैं। अच्छा, ये पहला टूर है आपका या? नहीं नहीं इंशाल्लाह ये हमारी दूसरी ग्रुप इधर से जा रही है, इससे पहले जो थी वो भी निकल चुकी है और इंशाल्लाह ये दूसरी ग्रुप ऑफर ग्रुप है ये जो हम ऑफिस ओपनिंग के टाइम पर अनाउंस कर थे कि 70,000 को पैकेज हम बुला लेकर जाएंगे बोलकर, अल्हम्दुलिल्लाह वही जैसा हम कह कर थे आज वही उस मुताबिक हम लेकर जा रहे हैं हाजियों को। पहला काफिला कब निकला? पहला काफिला 15 दिन पहले इंशाल्लाह हमारी ग्रुप जाकर थी, उसमें 25 लोग हमारे हाजी जाकर थे मैसूर से यानी कि लोकल मैसूर से ही सिर्फ 25 लोग जाकर थे। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन खिदमत जो हमने देकर है हाजी माशाल्लाह बहुत खुश होकर वो रिव्यूज भी देकर है, इंशाल्लाह मैं आपको उसकी तफसीलात दूंगा। अच्छा, ये अमूमन ये देखा जाता है कि उमरा का पैकेज जो होता है 15 दिन का होता है। जी, तो आप कह रहे हैं कि पहला दिन 15 दिन पहले यहाँ से निकला तो वापस हो रहे हैं शायद? हाँ नहीं, ऑलरेडी हो चुके हैं, 16 दिन थे 14 दिन का उधर था इंशाल्लाह वो ऑलरेडी आ चुके हैं इधर। अच्छा, ये हमारी दूसरी ग्रुप इंशाल्लाह अब निकल रही है। इस ग्रुप में कितने आदमी जा रहे हैं? इस ग्रुप में तकरीबन 80 लोग जा रहे हैं। कौन सी एयरवेज से? इंशाल्लाह अभी हम ओमान एयरवेज से लेकर जा रहे हैं। नहीं अभी मेरे दो भाई लोग जा रहे हैं कामरान और शुएब, इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रुप में हम जाएंगे। अच्छा, इनको क्या तजुर्बा है तो जाने साथ में? अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार जाकर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक बिजनेसमैन भी हैं और 3 बार जो है ग्रुप को ये लेकर जाकर हैं इंशाल्लाह। लास्ट टाइम 1-2 महीने पहले हम भी गए थे और उससे पहले भी इंशाल्लाह मेरे भाई लोग भी गए थे, सारी ग्रुप को खिदमत जो देकर है तो बहुत सारे लोग खुश हो गए हमारी खिदमत को देख कर। वहाँ पे क्या क्या सहूलियत दे? इंशाल्लाह जो लोग यानी कि दूसरे जो लोग 1,15,000 को लेकर जा रहे हैं, 1,25,000 को लेकर जा रहे हैं, 90 पर 5,000 को लेकर जा रहे हैं, वही सहूलत हम इंशाल्लाह 70,000 रुपए में एक हाजी को भी बिना तकलीफ के इंशाल्लाह हम खिदमत करेंगे बेहतरीन से बेहतरीन। चाहे होटल का मसला रहो, हरम के बिल्कुल नजदीक करीब है हमारा होटल जो है मक्के के अंदर हरम से बिल्कुल करीब है और मदीने के अंदर भी इंशाल्लाह हमारा करीब होटल है, इंशाल्लाह खिदमत बहुत अच्छा रहेगा और बहुत सारे लोग हाजी लोग अभी इंशाल्लाह उनको पता चल चुका है कि हम 70,000 को लेकर जा रहे हैं बोलकर अभी भी हमारे पास पैकेज के लिए फोन आ रहे हैं लेकिन अब हम नहीं ले सकते यानी कि ये सब पैसे अदा कर करते ऑफिस ओपनिंग के अक्टूबर में सारे पैसे जो है अदा कर चुके थे लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग हाजी हमको फोन कर इसी ऑफर प्राइस के लिए बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह अब नहीं होगा। इंशाल्लाह आने वाले दिन में रमजान में इंशाल्लाह हम बेहतरीन से बेहतरीन एक ऐसा प्राइस देंगे मैसूर के अंदर आज तक कोई नहीं दिया, इतनी गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि मैसूर के अंदर ये प्राइस पर कोई बुलाकर नहीं गया। आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ से लेकर जाएं लेकर जाएं। तो आपका तजुर्बा बताएं पहले कब गए थे? मैं पहले कई साल गया था, अगस्त में गया था, अगस्त को ग्रुप के जोड़ में गया था बेंगलोर से, बेंगलोर में हेड ऑफिस है हमारा बैतुल अरम इसी नाम से है, उधर से ग्रुप में गया था टीम लीडर बन के। फिर दूसरी बार गया था 2 महीने पहले, मैसूर ग्रुप से निकला था। तीसरी बार मेरे भाई गए थे शुएब, चौथी बार मैं फिर ग्रुप लेके निकल रहा हूँ। तो सारे अरकान आपको तसल्ली बख्श कराते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराता हूँ, पूरे जो है जिम्मेदार आदमी है उधर भी मेरे लोकल आदमी जितने भी है पूरे लेके जियारत कराते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में मुझे पता चला कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो वीज़ा प्रोसेस होता था पहले जी वो एकदम बिल्कुल चीप कर दिया है, क्या ये 70,000 रुपये क्या वो कम होने की वजह से आप कम किए? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ हमारा ऑफिस ओपनिंग ग्रुप का है जो हमारे को आदमियों को इधर मैसूर शहर में बताना था कि हम भी इधर कर रहे बोल के उतना ही था, उनको इतला देना था कि हम इधर से भेज रहे हाजियों को बोल के। नहीं, कॉम्पिटिशन के वास्ते नहीं, जो है असली कॉस्टिंग जो हो रही है वो आदमियों को हम दिखा रहे हैं 70,000 में भी हम लोग कर सकते हैं बोल के। और वैसे भी जनवरी में थोड़ा कम ही रहता है ना?
नहीं, फिलहाल आपके माहौल की वजह से कुछ भी उतना नहीं है, ज्यादातर 1 लाख तक भी कॉस्टिंग आ रहा है, लगभग लगभग 1,10,000 तक भी आ रहा है ये करे तो। हमारा प्री बुकिंग होके था, होटल्स प्री बुकिंग होके था, पूरा फ्लाइट्स प्री बुकिंग होके था, उस वजह से हमारे को इस कॉस्ट में लेके जा रहे हैं 70,000 में। इसके बाद की ग्रुप को ये रेट में नहीं लेके जा सकता हूँ, थोड़ा 80,000 रुपये में लेके जा सकता हूँ। दूसरे आदमी लोग 85,000 कर रहे हैं, 90,000 कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं 80,000 तक हम लोग कोटेशन बनाएंगे बोल के बातचीत करके। खाना वगैरह जो भी है हमारे बेंगलोर से है, पूरा शेफ पूरा बेंगलोर से है, उधर से पूरा लेके जाके शेफ को उधर रख के कराते हैं। वहाँ के जियारत कराने के लिए, जियारत कराने के लिए पूरे हमारे तनवीर खातरी साहब है, मुश्ताक मौलाना है, दावणगेरे के मुश्ताक मौलाना बोले तो, उनके साथ लेके जाके कराते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक महीना पहले गया था, 13 तारीख को गया था, ग्रुप को लेके गया था, मैसूर की ग्रुप को। इंशाल्लाह उनका सब रिव्यू अच्छा आया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको सब सहूलत तो जो बोले थे वो सहूलत करके दिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुए और उनको वापस लेके आया और बहुत खुश हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हजरत आप अल्हम्दुलिल्लाह मजले बिलाल के खतीब हैं और मैसूर के नामी गिरामी उलमा में आपका शुमार है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आज के इस सादत यानी उमरा की सादत हासिल करने वालों को आप साथ में जा रहे हैं एक मोइन के तौर पर। इन नौजवानों से मुझे पता चला कि इनकी कारकर्दगी क्या थी, इससे पहले किस तरह का हुआ था, अब जो सफ़र शुरू हो रहा है इसके तलब से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर का नाम बैतुल हरम है और नाम बड़ा ही बाबरकत है, बड़ा ही मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 महीने पहले मुझे इस सिलसिले में इत्तला मिली एक पम्फलेट के ज़रिए। हमारी मस्जिद मस्जिद बिलाल में भी बहुत सारे पम्फलेट जुमा वगैरह में तकसीम किए गए, तो उसमें जो है इन्होंने मैसूर के अंदर अपना ऑफिस जो शुरू किया, तो ऑफिस के शुरू के दिन ऑफ़र रखा था 70,000 रुपये में, जो आज यानी ऑफिस के इफ्तिताह के दिन आकर बुक कराएंगे तो उनके लिए 70,000 रुपये में हम अल्लाह के घर की और उसके पाक बैतुल्लाह की हम ज़ियारत कराएंगे। हर एक मुसलमान के दिल में ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है अल्लाह के घर के दीदार की, और आज के इस महंगाई के दौर में जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जो लोग ज़ायरीन मातमरीन हैं उमरे के लिए जाना चाहते हैं तो किस किस तरह से तकरीबन 1 लाख रुपए का ख़र्चा कुछ आगे कुछ पीछे हो जाता है। ख़ासकर हम जैसे लोगों के लिए आइम्मा वगैरह के लिए ये चीज़ ये पम्फलेट सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मसर्रत हुई और फिर मैं यहाँ पर पहुँचा। तो उस वक्त में कोई पक्का इरादा नहीं था, बस यही इरादा था कि जाकर तहकीक की जाए, लेकिन जब यहाँ पर आया और मैंने इन लोगों से बात की और उसके अलावा भी आसपास के आइम्मा भी यहाँ पर जो है उस दिन दुआ में आए हुए थे तो उनसे भी मैंने पूछा, तो सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इनके बारे में अच्छी बातें कहीं और कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, दीनदार हैं और इस किस्म की जो है इनसे अच्छाई और पॉजिटिव और मुस्बत सोच ही मिली है और इनके रवैये से भी। उसके बाद मैंने जो है उसी वक्त में तय किया कि इंशाल्लाह इसी से जाना है, और बीच बीच में भी आता रहा, जब भी कोई ज़रूरत हुई फ़ोन किया, किसी भी तरह की मुआवनत के बारे में हमेशा पहली फुर्सत में फ़ोन उठाकर हर तरह के बारे में तसल्ली दी, और जो वक्त बताया था, जो महीना बताया था कि जनवरी में लेकर जाएंगे, उसी महीने में 15 तारीख से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह लेकर जा रहे हैं। वादे की जो बात कही थी 26 तारीख थी तकरीबन, वादे से हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ताखिर हो जाती है, लेकिन अल्लाह जो है इनके इस कार खैर में खूब बरकतें अता फ़रमाए, खूब तरक्की अता फ़रमाए। बड़ी खुशी की बात है कि वादे से पहले ही ये लोग जो है हमें अल्लाह के घर पर एक बहुत ही औसत और दरमियानी रकम में जो है बुला के लेके जा रहे हैं। हमारे दिल से तो दुआ निकलती है अल्लाह तबारक व तआला इस बैतुल हरम को जो है मुकर्रम मुहतरम बनाए और खूब मशहूर फरमाए, इनको अल्लाह जो है खूब खिदमत की तौफीक अदा फरमाए, इसके ज़रिए अल्लाह इनकी दुनिया भी बनाए इनकी आखिरत भी बनाए। जी मेरी वालिदा भी मेरे साथ में है, मेरी अहलिया भी मेरे साथ हैं और इन सब की दुआ इनके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से अब तक इन्होंने हमारा साथ दिया है, सफ़र आज 13 तारीख है, 12 तारीख की रात है हम निकलने वाले हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वापसी तक भी ये हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से जो है काम करेंगे, अल्लाह इनके इरादों को कबूल फरमाए। ये जो उमरे के वास्ते जा रही जो ये बैतुल हरम जो ट्रैवल्स है, बहुत अच्छी सर्विस है और अच्छा कोऑपरेट करती हैं, खाने पीने का बहुत अच्छा है, माशाल्लाह सब कुछ अच्छा है, रूम्स भी अच्छे रहती,
हमें भी जाकर खीन के साथ में, माशाल्लाह सब कुछ अच्छा है, क्या भी कमो पेशी होने देते नहीं, अच्छा कोऑपरेट करती। इंशाल्लाह आगे भी दूसरे जाने वाले रहे तो जा सकती हूँ, बहुत अच्छी है इनकी सर्विस। मैं थ्री मंथ्स हुआ जाका को, उसके बाद भी और हमारे रिश्तेदार भी गए थे, उन्होंने भी ऐसा चीज बोले, अच्छी सर्विस है, हमें बोल को भेजे तो अच्छी सर्विस है, माशाल्लाह सब कुछ अच्छा है। खाने पीने का भी बहुत अच्छा है, और रहने का वहाँ फिराने का सब भी अच्छा है, क्या भी तकलीफ नहीं होती, और नज़दीक भी है, हरम से बिल्कुल नज़दीक है इनके होटल से, इन्होंने जो होटल्स अरेंज करती ना वो नज़दीक में आती हरम के, आराम से चल को जा सकती क्या।